यूट्यूब चैनल ओपन किया, बट भाई वहां पे ओपन ही नहीं हो रहा है। क्रिएटर स्टूडियो पे एक ही चीज आ रही है, डू नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं 500 बार लॉग इन कर चुका हूँ, बट भाई कोई पता ही नहीं है कि भाई चैनल कहाँ चले गया। रात को ही वीडियो भाई मैंने अनलिस्टेड करके डाला था, एंड समझ ही नहीं आ रहा भाई एकदम अचानक से क्या हो गया। सो अभी भाई मैंने मेल वगैरह किया यूट्यूब वगैरह को, होपफुली चैनल जो है गाइस विद इन 6 या 7 आवर्स वापस आ जाए भाई। ऐसा भाई दुआ करो इस टाइम पे भाई। मैं अभी इस टाइम पे करगिल पहुंचा हुआ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं भाई, ठीक है ना, एकदम अचानक से भाई अभी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है यूट्यूब पे एक नए ब्लॉग पे। सो गाइस, आज कोई ब्लॉग तो नहीं है, बस एक बहुत ही सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ ये है कि मैं भी ऐसे नहा धो के बैठा है, फ़ोन चला था, तो ऐसे मैंने सोचा कि आमिर भाई का कोई ब्लॉग वगैरह आया होगा रात का, तो उन्हें रात को ब्लॉग नहीं देखा था। मैं आमिर भाई का ब्लॉग, तो मैंने यूट्यूब में चैनल सुना था, चैनल नहीं आया, तो कुछ ऐसे वैसे हो गया होगा। तो फिर मैंने इंस्टा पे उनकी इंस्टा खोला, इंस्टा पेज वगैरह पोस्ट करते समय उनकी स्टोरी आ गई। स्टोरी यही थी कि स्टोरी में डाला कि उनका चैनल भाई यूट्यूब से डिलीट हो गया है। बस बहुत बुरा लग रहा है, मतलब 3 मिलियन सब्सक्राइबर थे पहले, तो मैंने ऐसे चैनल खोला, मतलब तो खुल नहीं रहा था, मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी, नहीं खुल रहा होगा। तो मैंने इंस्टा की स्टोरी देखी, फिर तो मुझे यकीन हो गया कि भाई चैनल सच्ची डिलीट हो चुका है यूट्यूब पे। तो भाई जिसने मेहनत की थी ना उसको पता था, भाई 3 मिलियन का चैनल था, कोई ऐसा मतलब छोटा मोटा चैनल था मेरे तरह भाई। अगर जैसे किसी का भी चैनल भी यार, जैसे मेरा भी चैनल भी डिलीट हो जाए ना, दुख होता है यार। 3 मिलियन का चैनल बंदे ने, मतलब सबसे पहले यूट्यूब जम्मू में ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और वही उस बंदे का चैनल डिलीट हो गया यार, इस टाइम गाइस दुख होता है। गाइस आप, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे यार प्रे करो यार कि आमिर भाई को, मैं तो कर रहा हूँ, आप भी करो कि आमिर भाई का चैनल जो वो वापस आ गया यार। ये चीज़ वही रियलाइज़ कर रहा है जिसने मेहनत की होगी गाइस। 3 मिलियन मतलब मैं जब से देख रहा हूँ, चार साल से बंदे ने इतनी मेहनत किया ना, 3 मिलियन तक पहुँचा, जब 3 मिलियन वाला चैनल उठ जाए ना गाइस, बहुत बुरा। इंस्टा स्टोरी वगैरह में डाला है कि मेरा ऐसे चैनल वगैरह एक्सेस नहीं हो पा रहा, वो लॉगिन कर रहे हैं पर उनका चैनल एक्सेस नहीं हो पा रहा। तो बाकी वो कह रहे थे कि उन्होंने वो ईमेल वगैरह डाली हुई है यूट्यूब को, देखो कब तक चैनल वापस आता, होप सो कि चैनल वापस आ जाए। मैं तो ये करता हूँ यार, मैं तो प्रे कर रहा हूँ, बट यार आप भी प्रे करो कि उनका चैनल वापस आ जाए। बहुत मतलब बहुत दुख होता है यार, मेरे तो अभी चलो 143 सब्सक्राइबर्स हैं, फिर भी अगर मेरा चैनल मेरे जैसा बंदा होना वो तो मर जाए यार, इतना बड़ा चैनल अगर डिलीट हो जाए ना, बहुत दुख है यार। ये इतना बड़ा चैनल ग्रो हुआ और चैनल वापस रीस्टार्ट करना बहुत मेहनत लगती है यार, इतनी ऑडियंस वापस लेना बहुत मेहनत लगती है यार, मैं समझ सकता हूँ। बस आप प्रे करो कि उनका चैनल वापस आ जाए, बाकी मैं क्लिप डालता हूँ जो उन्होंने इंस्टा में बोली है वो सुनो। तो उनका चैनल आज ही वापस आ जाए, लेट्स सी क्या होता है, पता चल जाएगा शाम तक। बाकी सपोर्ट करते रहो हमें भी, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।